फ्रेशर हूँ, फ्रेशर हूँ, बिल्कुल फ्रेशर है। तो आपने बिल्कुल आप फ्रेशर आप बोल रहे हैं, अब आपका अनुभव क्या लग रहा है कि मैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं फ्रेशर कभी था ही नहीं, और जितना मैंने देखा उससे कई गुना मैंने पाया, और बहुत बेस्ट है। जो नया बंदा है सीखने के लिए वो जरूर एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करे और प्रॉपर नॉलेज पाए। अच्छा तो ये बताइए, आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है? एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके सर मुझे बहुत खुशी है। पहली बात तो ये है कि जिसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलती, उल्फत वहाँ नज़ारे बदल देते हैं, कहीं और भटकते रहते हैं लेकिन निगाहें बदल देते हैं। यहाँ एशिया टेलीकॉम में जो भी आएगा, अगर वो दिल से कोई भी काम अगर मन से हिम्मत से किया तो ये तो पक्का है कि उसकी ज़िंदगी तो बदल ही जाएगी सर। मुझे सर पूरा ए टू जेड नॉलेज टेलीकॉम ज्वाइन करके आपको सही चूज किया आपने सर। ये सर जो मैं सोचा वो पाया सर। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जो आप सोचते हो वो अपने दिमाग से निकालो, जो अब देखो कि यहाँ आने के बाद क्या फील हो, वीडियो में देख के क्या मिलेगा। यहाँ से आओ, कुछ देखो क्या होता है। सर का पढ़ाने का तरीका भी कुछ अलग होता है, क्योंकि जो वीडियो में होता है अक्सर वो रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल में आकर देखिए यहाँ क्या से क्या मिल रहा है, हमें देखने को कुछ और मिलता है। यहाँ आइए देखिए, जो हम देखते थे उससे हमें 10 गुना 100 गुना ज़्यादा समझो कि हम पाया सर, हमको मिला सर। ये बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेसिंग के नॉलेज और पीसीबी के देखने की नज़रिया दोनों एक साथ बदल गए, क्योंकि हम देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा सर्किट है और ये कौन सा सप्लाई। सर्किट डायग्राम का टेस्ट कर लेंगे? हाँ टेस्ट कर लेंगे पूरा। तो आप ये बताइए, आप इतनी दूर से आए हैं तो क्या सोच के आए थे और क्या मिल रहा है आपको? मैं सर जितना सोच के आया था उससे मैं यहाँ से कई सौ गुना अधिक लेके जा रहा हूँ। मतलब आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके खुश हैं कि नहीं है? मैं तो यहाँ पे सरप्राइज हूँ कि सर ये मैं ऑप्शन 2 साल पहले क्यों नहीं चुना। हमारे एक फिरोज सर हैं, फिरोज सर पूछ रहे हैं इनसे कि आप कितनी बार एक सीपीयू को निकाल के रिवॉल्विंग करके और फिर से वापस पीसीबी में लगाया? मैं 5 से 6 सेट को ऑन कर दिया था। मतलब आपके पहले ही दिन ही आते ही आपको सीपीयू निकालना लगाना बताया गया? हाँ पहले ही दिन। अच्छा मतलब सबसे ज्यादा कितनी बार आपने किया? वही 5-6 बार। कितनी बार वो सक्सेस हुआ? पूरा जब किया हूँ सब सक्सेस हुआ। मतलब 6 बार आपने फर्स्ट टाइम किया, इससे पहले आपने किया था क्या? रिवॉल्व किया था मगर उतना नॉलेज नहीं। आपने रिवॉल्व पहले करते थे बट वो प्रॉपर नॉलेज नहीं था, अब आपको प्रॉपर नॉलेज मिल गया। कितने घंटे की क्लास चलती है यहाँ पे? यहाँ पे तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक क्लास चलते हैं। पहले दिन आने के बाद ही आईसी का रिवॉल्व पे ही आ गया है। मतलब आपको कुछ भी नहीं बताया गया, सीधे आपको रिवॉल्विंग बताया गया? बिल्कुल। फिर उसके बाद आईसी को निकालना लगाना ऑनलाइन करना ऑन सेट से हम लोग आईसी रिवॉल्व करके फिर बैठाया ऑन सेट से। उसके बाद वो ऐसे मोबाइल फोन फिर चालू किया, चालू करने के बाद ही फिर ऐसा 3-4 बार ऐसा, मेरे लिए तो 3 बार मैंने ऑन कर चुका हूँ। 3 बार ऑन किया, इससे पहले आप काम करते थे? नहीं, आईसी मतलब आप फर्स्ट टाइम आपने रिवॉल्विंग की उसको। अब आपको क्या लगता है? अभी वैसा लग रहा है सर कि जो मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हूँ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। मैं तो कहूँगा जिसको प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए यहाँ पे आ जाइए, पैसा अपना वेस्ट मत कीजिए कहीं और जाके। चलिए थैंक यू। पहले दिन से आईसी रिवॉल्विंग कर रहे हैं? जी हाँ, पहले दिन से मुझे आईसी रिवॉल्विंग करने को मिला और मैं ठीक से आईसी रिवॉल्विंग किया और सेट को डेड सेट को ऑन भी किया और उसे कंप्लीट भी किया। कौन सा आईसी कहाँ रहता है? पहले क्या है खाली काला ये आईसी है वही पता था, नाम नहीं पता था उसमें क्या काम है, उसे क्या कहाँ से कहाँ सप्लाई जाती है, कहाँ से क्या होता है कुछ नहीं पता था। अब मेरे को अब आपको वोल्टेज के बारे में नॉलेज हो गया, प्रॉपर वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, अगर प्राइमरी वोल्टेज आती है तो कहाँ से आती है, सेकेंडरी वोल्टेज कहाँ से आती है, ये सारा आपको प्रॉपर नॉलेज हो गया यहाँ पे? जी सर सारा नॉलेज हो गया। अभी अगर बैटरी कनेक्शन पूरा उखड़ जाए, उसका अगर टिप्स भी उखड़ जाए तो भी लगा सकते हैं। वेरी गुड, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया ना? कॉन्फिडेंस पूरा आ गया है। ऐसे टेलीकॉम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? एशिया टेलीकॉम के बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि जो इनका रिव्यू आता है कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो ये वाकई में इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। मतलब आप जो बोलते हो दिल से बोलते हैं? जी हाँ दिल से बोलता हूँ। सवाल आप ऐसे टेलीकॉम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये एशिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है मोबाइल रिपेयरिंग का। और मैं अच्छा बेस्ट क्यों है? बेस्ट क्यों है? क्योंकि जो देवेंद्र सर है उनके पढ़ाने का तरीका, क्योंकि वो शुरू में ही उन्होंने हमको इस तरीके से पढ़ाया कि ज़रूरी नहीं है मोबाइल के अंदर सीपीयू फॉल्ट हो या पीएमआई का प्रॉब्लम हो, पावर आईसी का प्रॉब्लम हो। उन्होंने हमें कंपोनेंट की जो नॉलेज दी है कि हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं प्रॉब्लम को,
वो बहुत अच्छी तरीके से हमको फाइंड करवाया सर। वो 3 से 4 बार किया तीन मैंने। से चार बार ऑन हो गया, पहले इससे पहले आपने किया था? नहीं सर, पहले मेरे को, मैं पूरा फ्रेशर हूँ सर, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था उस बारे में, कंपोनेंट वगैरह के बारे में। लेकिन यहाँ आने के बाद में पूरा नॉलेज मिला मेरे को, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे लगे होते हैं, सीरीज क्या होती है, पैरेलल क्या होती है, A to Z नॉलेज मिला सर। टोटल सवाल, आप इसी टेलीकॉम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जी मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, मैं 2 बार आ चुका हूँ। पहले आया था तब मैं बीमार हो चुका था, दोबारा आया 4 महीने बाद, मैंने अपनी दुकान भी बंद कर दी। इसके चक्कर में इतना हम सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज मिलती है। 2 बार आए, अगर चाहते तो फर्स्ट टाइम में ही आप नहीं आते जी, पर आप 2 बार आए, मतलब इनकेस पहली बार में आपकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर आपने दूसरी बार आया, क्योंकि अगर आपको पहले ही समझ में नहीं आता तो आप दूसरी बार ज्वाइन नहीं करते। नहीं आते थे। तो आप कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जितने हम सोच भी नहीं सकते उससे अच्छा यहाँ पर सिखाया जाता है। ब्लू सेट को फिर से दोबारा चालू किया सर, मैं 3-4-5 बार कर चुका हूँ और 6वें बार में बनाया, मैं बढ़िया गरीब बनाया, और अभी है कि अभी पहली बार मैं बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने ऐसे टेलीकॉम सही चूज किया कि नहीं किया? जी सर मैं सही चूज किया। आप अपने व्यूअर को क्या कहना चाहते हैं कि आप ऐसे टेलीकॉम सही चूज किया कि नहीं किया, और क्या बोलना चाहते हैं उनको? मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ, जो भी आ रहे हैं उनको सिर्फ मैं यही बता चाह रहा हूँ, अगर हमें काम करना है या सही करके देना है, कस्टमर को अच्छा बना के देना, तो हमें यहाँ आके नॉलेज पूरा पूरा लेना पड़ेगा। हमें क्यों लेना पड़ेगा, यहाँ से कोई फॉल्ट आ रहा है, वहाँ जहाँ से फॉल्ट हो सकता है वहाँ तक मतलब फुल डिटेल बता रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल और मेरे साथ में है दुर्गेश सर और मेरे साथ में है फिरोज सर। यहां आज हम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट का जो हम लोग करते हैं गेट टुगेदर, और यहां पे हम लोग खाना खाने साथ में आते हैं, और ताकि ये रहे हमारे लाइफ में एक रिमार्केबल और यादगार। और इसके साथ हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और हम देखेंगे उन लोगों का एक रिव्यू लेंगे 2 मिनट का, पूछेंगे कि क्यों आए और कैसा लगा, और अब तक आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आपको दुर्गेश सर एक करके यहाँ पर सारे स्टूडेंट से मिलवाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में फिरोज सर अपने EMC बैच स्टूडेंट्स के आपसे साथ में मिलवाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट को एक उठाता हूँ यहाँ पर, पास आइए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटेलाल कुमार सैनी है सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल से सर। आप नेपाल से एसर टेलीकॉम को क्यों? सर मेरे को मतलब मैं यूट्यूब में वीडियो देखता था, उसमें ऐसा बहुत सारा रिव्यू आता था, उसमें मैं आपका रिव्यू देखा, वहाँ पे बहुत डीपली तरीके से नॉलेज दिया जा रहा था, इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू इतना चीज़ सीखने को मिला, तो ऐसा समझा कि वहाँ पे जाने के बाद कितना सीखने को मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ एक लाइन पे कहो कि अगर आपको भी 10 दिन हो गए होंगे मेरे मुश्किल से, या सर 28 तारीख से आए हैं, आज 10 तारीख हो रही है, तो 10 से 11 दिन हो रहे हैं, और हार्डवेयर हमारा लगभग कम्प्लीट ही हो रहा है, तो कैसा लग रहा है कि अब और पहले के में कितना अंतर लग रहा है? बहुत डिफरेंट सर, बहुत डिफरेंट, सीखने को मिला कि नहीं मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाकी स्टूडेंट सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर? यस सर। ट्रेसिंग सर्किट डायग्राम बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी हमारे? बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट IC निकलना लगाना सिखाऊं तो ये होता है क्या? नहीं, 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 नहीं। फिर भी आपने रिबॉलिंग सीखा, इस फील्ड में स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट नॉलेज लेके अगर करेंगे तो ही काम कर पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ में दुर्गेश सर फिर सारे स्टूडेंट के साथ मुलाकात करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, आप कहाँ से? और सर मैं नोएडा से आया, उत्तर प्रदेश। नोएडा से उत्तर प्रदेश आए। आप ऐसे टेलीकॉम क्यों ज्वाइन किया आपने? सर यूट्यूब पे देखा, मतलब रिव्यू बढ़िया मिला, मतलब कि और सभी रिव्यू। आज एक बात बताइए, रिव्यू आप भी दे रहे हैं आज आप रिव्यू दे रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? बढ़िया लग रहा सर। बढ़िया लग रहा है, मतलब जो रिव्यू आपने देख के आया था वो सही है कि रियल में है सर? वो रियल रिव्यू था। हाँ। अब आप जो सर्किटों का नॉलेज होगी, ट्रेसिंग का नॉलेज होगा, कंपोनेंट्स का नॉलेज होगा, आप कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, अपना नाम बताओ। और मेरा नाम राजकिशोर सा है सर, मैं बांका बिहार से हूँ। अच्छा, तो ये बताइए आप सबसे पहले कि आपने ऐसे टेकलम ज्वाइन किया, ये हार्डवेयर का सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है सर, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही यहाँ सिखाया जा रहा है, और ऐसा तो जैसा देखता मैं सोचता भी ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ ऐसा ही होता है जैसा सोचा था। मतलब जो आपने सोच के आया था उससे ज़्यादा मिला कि उससे कम मिला? उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है सर, वो तो जानते जो जानते भी नहीं थे, कभी सुने भी नहीं थे, वो चीज़ जान रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, और अपना नाम और आप कहाँ से हैं बताइए? मैं जगदीश प्रसाद, मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, तो ये बताइए आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है? एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके सर मुझे बहुत खुशी है,
पहली बात तो ये है कि जिसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलती, उल्फत वहाँ नज़ारे बदल देते हैं, कहीं और भटकते रहते हैं लेकिन निगाहें बदल देते हैं। यहाँ एशिया टेलीकॉम में जो भी आएगा, अगर वो दिल से कोई भी काम अगर मन से हिम्मत से किया तो ये तो पक्का है कि उसकी ज़िंदगी तो बदल ही जाएगी सर। मतलब आप कह रहे हैं मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, मिलेगी। अगर आप मेहनत नहीं करते तो सफलता कुछ नहीं मिलने वाली है सर। हर तो कोई किसी भी देखने का नज़रिया चेंज हो गया आपका एकदम से सर। पूरा ड्रेसिंग कॉम्पोनेंट जो कुछ भी है सर। चलिए थैंक यू। हमारे ये नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, अपना नाम और कहाँ से आ रहा है? मेरा नाम आदित्य कुमार है सर, मैं नेपाल से हूँ। तो एशिया टेलीकॉम आपने ज्वाइन करके क्या फील हो रहा है, अच्छा लगा कि नहीं लगा? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मेरे को कुछ पता भी नहीं था कंपोनेंट्स के बारे में और सर्किट डायग्राम के बारे में। मैं अब सब कुछ मेरे को पता हो गया है, मैं हर चीज़ में जान सकता हूँ, मैं कोई भी प्रॉब्लम निकाल के बाहर कर सकता हूँ। मुझे सर पूरा ए टू जेड नॉलेज टेलीकॉम ज्वाइन करके आपको सही चूज किया आपने सर। ये सर जो मैं सोचा वो पाया सर। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जो आप सोचते हो वो अपने दिमाग से निकालो। जो अब देखो कि यहाँ आने के बाद क्या फील हो, वीडियो में देख के क्या मिलेगा, यहाँ से आओ कुछ देखो क्या होता है। सर का पढ़ाने का तरीका भी कुछ अलग होता है, क्योंकि जो वीडियो में होता है अक्सर वो रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल में आकर देखिए यहाँ क्या से क्या मिल रहा है, हमें देखने को कुछ और मिलता है। यहाँ आइए देखिए, जो हम देखते थे उससे हमें 10 गुना 100 गुना ज़्यादा समझो कि हम पाया सर, हमको मिला सर। आपको मतलब अच्छा मुझे फील हो रहा है ना? यस सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है, अपना नाम और एड्रेस बताइए, आप कहाँ से? सर मेरा नाम विजेंद्र है, मैं गाजियाबाद यूपी से हूँ। अच्छा, आपसे छोटा सा सवाल पूछते हैं कि आपका पीसीबी का देखने का नज़रिया कैसा हुआ? सर पीसीबी देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो चुका है, जिस तरीके से हम पहले देखते थे वो बिल्कुल ख़त्म है। ट्रेसिंग का नॉलेज सेक्शन वाइज, हर एक सेक्शन वाइज पढ़ाया गया है कि बस एक बार नहीं? सर हर सेक्शन वाइज पढ़ाया गया है, सारे कंपोनेंट की नॉलेज हमें दी गई है, सभी सर्किट सब की नॉलेज हमें अलग अलग दी गई है प्रॉपर तरीके से। हमारा पीसीबी देखने का नज़रिया ही बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब आपने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके आपने सही चूज किया कि नहीं? सर मैं सर का वीडियो कम से कम समथिंग 2 साल से देख रहा हूँ, मेरे दिल की तमन्ना थी। वो वीडियो आपको अब लग रहा है कि सही वीडियो था कि नहीं? सर नंबर वन वीडियो था। चलिए थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, अपना नाम और एड्रेस बताइए, कहाँ से? मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं बिहार से हूँ। अच्छा, तो ये बताइए आपसे छोटा सा सवाल कि अगर आपका सेक्शन वाइज कोई काम दे दिया जाए, रिंगर स्पीकर मिंगर, आपका अगर कोई भी टिप्स नहीं है तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जी सर 100% सर। मतलब उसको ट्रेसिंग और कॉम्पोनेंट्स का सही नॉलेज हो गया आपको कि नहीं हुआ? जी हाँ सर, पूरा हार्डवेयर खत्म ही हो गया और पूरा नॉलेज हमको मिल गया और हम 100% सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अब हम उसे जो भी सेक्शन आएगा आप उसे सॉल्यूशन 1x1 स्टेप बाय स्टेप आप उसे फॉलो करेंगे? जी हाँ सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बरकत अली है, मैं कोलकाता से हूँ। अच्छा, तो मैं बस छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने एशिया टेलीकॉम क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि वहाँ का रिव्यू देखा मैंने, वहाँ का रिव्यू बहुत अच्छा था, बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं और थोड़ा बहुत थ्योरी भी होते हैं। लड़का लोग से मैंने रिव्यू भी पूछा जब यहाँ आने के बाद, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छे सर सिखाते हैं, और उसके बाद और भी कॉन्फिडेंट मेरा बढ़ा। मैंने चलो ठीक है, अच्छा रिव्यू हो तो आगे भी अच्छा ही होगा। मैंने जब कॉल क्लास ज्वाइन किया तो ऊपर वाले की तरह से अच्छा भी क्लास अच्छा हुआ। तो जो आप ये रिव्यू दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपसे ऐसा बुलवाया जा रहा है? अपने दिल से मैं बोल रहा हूँ सर, कोई किसी का प्रेशर भी नहीं है ना किसी के दबाव में आके बोल रहा हूँ मैं अपने, क्योंकि ये रिव्यू आपका भी कोई देखेगा और आपको देख के कोई ना कोई आएगा। जी सर, क्योंकि मैंने जो सीखा है वही बोल रहा हूँ, ना किसी का दबाव में बोल रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल जो किया है मैंने, जो सर से पढ़ा है मैंने वही, मतलब जो आपको यहाँ मिल रहा है आप वही बता रहे हैं? जी सर, मैंने वही देखने का नजरिया चेंज हो गया। जी सर बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम जगदीश है और मैं गोवा से हूँ सर। और आप ये बताइए कि आप, बस छोटा सा सवाल कि आपका पीसीबी देखने का नज़रिया कैसा हुआ? सर अभी बहुत बदल चुका है, पहले मुझे कुछ पता नहीं था। कॉम्पोनेंट ट्रेसिंग का नॉलेज बता सकते हैं? हाँ सर, पूरा जान सकता हूँ। चलिए थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं और हम इनसे पूछेंगे कि अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं अहमदाबाद से हूँ। अच्छा, तो ये बताइए आप जब आए थे यहाँ पे तो क्या सोच के आए थे और क्या आपको मिला? मैं यहाँ पे बहुत कुछ सोच के आया था कि मेरे को बहुत जानकारी मिलेगी, लेकिन मेरे को उससे भी ज़्यादा यहाँ पे मिला जानकारी। मतलब जो आपने सोच के आया था उससे ज़्यादा मिला? उससे ज़्यादा मिला। जो तो सोच बोलना चाहेंगे इस टेलीकॉम के बारे में, जो भी देख रहा है वो एक बार यहाँ पे ज़रूर आए और आए और देखे कि ये जो कितना आउटपुट दे रहे हैं, तो ये रियल का आउटपुट है कि ऐसे ही आउटपुट? नहीं, रियल है, ये सब रियल है। ओके वेरी गुड। ये हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट है और काफ़ी
टीन एज का है बट सीखने की चाहत होती है, तो सीखने की चाहत मैं दोस्तों आपको बता दूं कोई एज पे निर्भर नहीं होता है। आप सीखने की चाहत टीन एज हो चाहे आप ओवर एज हो गया हो, तो आप एज सीखने की एज कुछ नहीं होती है, होती है क्या? तो आप ये हमारे स्टूडेंट हैं और ये बताएंगे कहाँ से? और मैं सर त्रिपुरा अगरतला से हूँ। नाम बता दो। मेरा नाम है गोविंद घोष। पहले काम करते थे इससे पहले? नहीं सर, पहले जिंदगी में तो कभी नहीं, अभी तो साल ही सर मेरा 17 साल है तो कभी नहीं पकड़ा। तो ये बताओ अब तुम्हारा क्या क्या समझ में आ रहा है तुम्हें अब? तो समझ में आ रहा है जो सर पहले कुछ नहीं समझता अभी बहुत कुछ आ रहा है, मोबाइल की जो मोबाइल के अंदर जो जो होते हैं फॉल्ट को कैसे सॉल्व करते हैं सर ये सब सर कंपनी और सर सब कुछ आता है अभी थोड़ा सब कुछ। अच्छा तो ठीक है, तो अब आप यहाँ पे काम कर लेंगे आप, अब आपको आगे क्या करनी है, मेहनत करनी कि नहीं करनी है? मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा, मेहनत भी करेंगे, घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और अब एसी टेलीकॉम ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? सर एसी टेलीकॉम ज्वाइन करने से सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो भी आना चाहते मैं उस लोगों को बोलूँगा कि आना यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम वासिम अकरम हूँ और मैं वेस्ट बंगाल से आया। अच्छा तो अब ये बताइए एशिया टेलीकॉम को आपने ज्वाइन किया तो अब कैसा फील हो रहा है आपको? एशिया टेलीकॉम से ज्वाइन ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा लगता है मुझको नया कुछ सीखने के मिला, नया मिल गया। हाँ, मतलब नया पीसीबी देखने का नजरिया चेंज हो गया। हाँ सर, पीसीबी को देख के पता लगाएंगे कि वो लाइनिंग कहाँ से होता है, क्या रिंगर हो माइक हो वो देख के बता दूंगा ये कौन सा का है। चलिए थैंक यू, मतलब आप सर्टिफाइड हैं यहाँ से? हाँ हाँ पूरा। चलिए ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलाते हैं, वो अपना नाम और एड्रेस बताएंगे आपको। मेरा नाम आदिया रहमान शेख है और मैं कोलकाता से आया हूँ। अच्छा तो बस आप छोटा सा सवाल बता दीजिए, एशिया टेलीकॉम आपने क्यों ज्वाइन किया और कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये ट्रेसिंग के नॉलेज और पीसीबी के देखने की नजरिया दोनों एक साथ बदल गए क्योंकि हम देख कर बता सकते हैं कि ये कौन सा सर्किट है और ये कौन सा सप्लाई। सर्किट डायग्राम के आप टेस्ट कर लेंगे? हाँ टेस्ट कर लेंगे पूरा पूरा। अब आपको अच्छा फील हो रहा है ना? बहुत अच्छा फील है। को चुना? हाँ ये तो सही है कि मैंने बहुत अच्छा चुना। थैंक यू। चलिए ठीक है, हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं और इनसे मिलाते हैं और अपना नाम और एड्रेस बताइए। सर मेरा नाम आसमपुर शेख है, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। अच्छा तो बस छोटा सा सवाल कि आपका पीसीबी आपका सेक्शन जो भी है तो आपको कैसा लग रहा है और कैसा सोच के आए थे आप? सर मैं सब कुछ देख के बता दूंगा, ये लाइट सेक्शन है क्या, रिंगर सेक्शन है क्या, माइक, ये कौन सी आईसी है आप देख के बता सकते हैं ना कि वो चार्जिंग आईसी है, पीएम है, सीपीयू है, एमएमसी है? जी सर मैं देख के बता सकता हूँ। चलिए वेरी गुड, ठीक है सर। ठीक, ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं और इनसे मिलवाते हैं कि ये अपना नाम और एड्रेस बताएंगे आपको। मेरा नाम शशिकांत सिंह है, मैं बनारस से आया हूँ। अच्छा तो आप ये बताइए आप इतनी दूर से आए हैं तो क्या सोच के आए थे और क्या मिल रहा है आपको? मैं सर जितना सोच के आया था उससे मैं यहाँ से कई सौ गुना अधिक लेके जा रहा हूँ। मतलब आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके खुश हैं कि नहीं है? मैं तो यहाँ पे सरप्राइज हूँ कि सर ये मैं ऑप्शन 2 साल पहले क्यों नहीं चुना। अच्छा मतलब आपको ये लगता है कि ये काम हम पहले करते तो और आगे और हाई लेवल पे होते? जी यस सर। लेवल अब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हमारा लेवल तो सर अब इतना अपलिफ्ट हो गया है कि अब इसके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता है कि बस अब यहाँ से जाने के बाद एक नए लेवल पे ही काम करना है सर। तो आप ये बताइए आप कितने सालों से काम कर रहे थे या नहीं? सर मैं 2 सालों से काम कर रहा था। अब वो 2 साल का जो अनुभव था अब यहाँ पे आने के बाद कैसा फील हो रहा है? हमको ऐसा लग रहा है कि मैं विगत 5 सालों से काम कर रहा हूँ सर। मुझे इतनी जानकारी होने के बाद तो मैं ऐसा लगता हूँ कि अगल बगल में ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस होल्डर हो तो मैं एक बार जरूर कहूंगा कि एक बार एशिया टेलीकॉम में आए और यहां से प्रॉपर नॉलेज ले और हर स्टूडेंट को जीरो से हीरो के रूप में यहां से एकदम निखर के ही जाना है। थैंक यू वेरी मच, ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं और हम इनसे मिलाते हैं आपको, अपना ये नाम और एड्रेस बताएंगे आपको। दीपक कुमार सर है, मैं उड़ीसा से झारतोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपसे एक छोटा सा सवाल कि एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर। मतलब जो आप सीखने आए थे वो आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बहुत कुछ मिल रहा है, पहले उतना नॉलेज नहीं था, अब थोड़ा किसी भी देखने का नजरिया चेंज हो गया आपका पूरा पूरा। हाँ हमारे एक फिरोज सर हैं, फिरोज सर पूछ रहे हैं इनसे कि आप कितनी बार एक सीपीयू को निकाल के रिवॉल्विंग करके और फिर से वापस पीसीबी में लगाया? मैं 5 से 6 सेट को ऑन कर दिया था। मतलब आपके पहले ही दिन ही आते ही आपको सीपीयू निकालना लगाना बताया गया? हाँ पहले ही दिन। अच्छा मतलब सबसे ज्यादा कितनी बार आपने किया? वही 5-6 बार। कितनी बार वो सक्सेस हुआ? पूरा जब किया हूँ सब सक्सेस हुआ। मतलब 6 बार आपने फर्स्ट टाइम किया, इससे पहले आपने किया था क्या? रिवॉल्व किया था मगर उतना नॉलेज नहीं। आपने रिवॉल्व पहले करते थे बट वो प्रॉपर नॉलेज नहीं था, अब आपको प्रॉपर नॉलेज मिल गया? बहुत। चलिए वेरी गुड, थैंक यू।
ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं और इनसे मिलवाते हैं और अपना नाम और एड्रेस बताएंगे। मैंने उत्तम प्रमाणिक फ्रॉम कोलकाता। अच्छा, आप सबसे पहले तो ये बताइए, जब आप यहाँ पे आए तो सबसे पहले ही दिन और ये कितने घंटे की क्लास चलती है यहाँ पे? यहाँ पे तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक क्लास चलते हैं। पहले दिन आने के बाद ही आईसी का रिवॉल्व पे ही आ गया है। मतलब आपको कुछ भी नहीं बताया गया, सीधे आपको रिवॉल्विंग बताया गया? बिल्कुल। फिर उसके बाद आईसी को निकालना, लगाना, लगाना, रिवॉल्विंग करना। ऑन सेट से हम लोग आईसी रिवॉल्व करके फिर बैठाया। ऑन सेट से उसके बाद वो ऐसे मोबाइल फोन फिर चालू किया। चालू करने के बाद ही फिर ऐसा 3-4 बार ऐसा, मेरे लिए तो 3 बार मैंने ऑन कर चुका हूँ। 3 बार ऑन किया? इससे पहले आप काम करते थे? नहीं, आईसी मतलब आप फर्स्ट टाइम आपने रिवॉल्विंग की, उसको सीपीयू को निकाला, फिर लगाया, फिर चालू भी किया। फिर हाँ, अब कैसा कॉन्फिडेंस आपका लगा? अभी तो फुल कॉन्फिडेंस, 100%। मुझे तो 100% सॉल्यूशन मिल गया है यहाँ पे आते हुए। चलिए, ओके। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट और हम इनसे बात करते हैं कि अपना नाम और पहले एड्रेस बताइए। सर, मैं तूफान कुमार हूँ, ओडिशा से हूँ सर। अच्छा, ये बताइए, आप जब फर्स्ट दिन की क्लास ज्वाइन की तो आपको कैसा लगा कि हम एक महीने में वो सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? हाँ सर, जब मैं पहली बार इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, मुझे लगा कि एक महीने हम पूरा 100% नॉलेज ले सकते हैं सर। मतलब आप सीख सकते हैं कि नहीं सीख? अब आपको कैसा फील हो रहा है? सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लगा कि पहले दिन का फील बताइए कि आपको क्या सोचे थे कि यार एक दिन की क्लास ज्वाइन की तो आप क्या लगा था? पहला दिन तो मैं सोचा कि मतलब जैसा काम किया ऐसा लगा मैं अच्छा टेक्नीशियन बन पाऊंगा, ऐसा मुझे लगा। अभी मुझे लगता है मैं बन सकता हूँ। मैं अब आपको क्या लगता है? अभी वैसा लग रहा है सर कि जो मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हूँ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। मैं तो कहूँगा जिसको प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए यहाँ पे आ जाइए, पैसा अपना वेस्ट मत कीजिए कहीं और जाके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, अपना नाम और एड्रेस बताइए। जी सर, मेरा नाम फिरोज खान है, मैं लखनऊ यूपी से। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि आप क्या सोच के आए थे और एक महीने में आपको क्या लगा था कि आप एक महीने में सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? जी सर, मैं सोच के यही आया था कि मुझे सीखने को मिलेगा बहुत अच्छा कुछ, और मैं यहाँ आके बहुत कुछ सीखा हूँ और मेरे सर जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझे प्रॉपर नॉलेज मिला, जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे ही मिली सर। अच्छा, तो मतलब आप सर्टिफाइड हैं एसए टेलीकॉम से? जी हाँ, बिल्कुल सर्टिफाइड हैं। अब आप पीसीबी देखने का नज़रिया, आईसी रिवॉल्विंग, आप पहले दिन से आईसी रिवॉल्विंग कर रहे हैं? जी हाँ, पहले दिन से मुझे आईसी रिवॉल्विंग करने को मिला और मैं ठीक से आईसी रिवॉल्विंग किया और सेट को, डेड सेट को ऑन भी किया और उसे कंप्लीट भी किया। चलिए ठीक है, अब आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल है कि नहीं है? जी हाँ, हाई लेवल, हाई कॉन्फिडेंस और अच्छा टेक्नीशियन। थैंक यू वेरी मच, आ जाइए। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है, अपना नाम और एड्रेस बताओ। मेरा नाम हरिचंद है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। तो आप इतनी दूर से आए हैं इससे टेलीकॉम, आपने ज्वाइन किया, तो अब आपको क्या लग रहा है? अब मेरे को इतना खुशी हो रहा है कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि घर में जाऊँ और घर में जाके जितना मेरा मोबाइल पड़ा है उसको बनाऊँ। बस जितने बस आपको बोर्ड दिख रहे हैं सामने, खाली खाली बोर्ड ही दिख रहे हैं, उसमें कौन सा आईसी कहाँ रहता है? पहले क्या है, खाली काला काला ये आईसी है वही पता था, नाम नहीं पता था, उसमें क्या काम है, उसे क्या कहाँ से कहाँ सप्लाई जाती है, कहाँ से क्या होता है, कुछ नहीं पता था। अब मेरे को आपको वोल्टेज के बारे में नॉलेज हो गया, प्रॉपर वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, अगर प्राइमरी वोल्टेज आती है तो कहाँ से आती है, सेकेंडरी वोल्टेज कहाँ से आती है, ये सारा आपको प्रॉपर नॉलेज हो गया यहाँ पे? जी सर, सारा नॉलेज हो गया। अभी अगर बैटरी कनेक्टर पूरा उखड़ जाए, उसका अगर टिप्स ही उखड़ जाए तो भी लगा सकते हैं। वेरी गुड, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया ना? कॉन्फिडेंस पूरा आ गया। वेरी गुड, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, अपना नाम और कहाँ से है बताइए। सर, मैं सर्वेश कुमार, बिहार पटना जिला से हूँ। अच्छा, तो आप बस छोटा सा सवाल कि आपको इसे टेलीकॉम ज्वाइन करके कैसा लग रहा है और क्या सोच के आए थे और क्या मिला आपको? अच्छा लगा है सर, मैं जो सोच के आया था उससे ज़्यादा ही मिला है। अच्छा, तो अब आपको मतलब जो सीखने का तरीका, पीसीबी देखने का नज़रिया कैसा हो रहा है? वो बदल चुका है सर, हर एक कॉम्पोनेंट, हर एक ट्रेसिंग सब अब वो फाइंड कर लेंगे। यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, और अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम इस्तिखार अहमद है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए छोटा सा सवाल कि आपने ऐसे टेलीकॉम क्यों ज्वाइन किया? परफेक्ट नॉलेज के लिए मैंने ज्वाइन किया कि ताकि हमारे को नॉलेज सही मिल सके, इसके हिसाब से ज्वाइन। क्योंकि आपने किसी ने किसी का रिव्यू देके यहाँ पे आया और आज आप खुद रिव्यू दे रहे हैं, तो क्या फील हो रहा है? मतलब आप सही रिव्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जी, मैं अपने आपको खुश नसीब समझूंगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट से अच्छा मतलब यहाँ पे आया, मैं आपको बहुत बड़ा खुश नसीब समझूंगा। मतलब आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें परफेक्ट नॉलेज मिला है, सही आईसीयू की पहचान मिली है और हम बोर्ड को, बोर्ड जो देखने का नजरिया है वो हमारा बदल चुका है।
चलिए थैंक यू वेरी मच, आई होप आप आगे चल के बहुत मेहनत करें और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, और अपना नाम और एड्रेस बताइए, कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम मृदुल हरी और मैं बैंगलोर से हूँ। अच्छा, बस छोटा सा सवाल आपसे, जब आप पहले दिन की क्लास आपने ज्वाइन की तो आपको आते ही 8 बजे से आपको IC रिवॉल्विंग में बैठा दिया गया, फिर फर्स्ट दिन की बेसिक दी गई, तो आपको क्या लग रहा था कि हम 1 महीने में सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? सर बिल्कुल मुझे इतना आसान लगा क्योंकि आपके गाइडेंस और आपका सिखाने का तरीका इतना आसान लगा। मैंने कभी आज तक कभी बोर्ड छुआ नहीं था, मैं फ्रेशर हूँ। अच्छा, बिल्कुल फ्रेशर है? फ्रेशर हूँ मैं, IT इंजीनियर हूँ और मैंने मोबाइल में फर्स्ट टाइम कदम रखा है, तो मेरा ये डिसीजन मेरा अपना था। तो अब आपका डिसीजन कैसा फील हो रहा है कि हमने सही चूज़ किया कि नहीं किया? मुझे तो लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है मेरा लाइफ का, क्योंकि कंप्यूटर बर्बाद हो रहा था। अच्छा वेरी गुड, मतलब आप आगे जाके आपको क्या करनी है? मेहनत करनी है। मेहनत करनी है, मेहनत जितना करेंगे उतना आप निखरेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। चलिए हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है, और आप अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा अजय निशान नाम है एंड मैं UP से हूँ सर। बस छोटा सा सवाल, आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मुझे मोबाइल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, पर कंपोनेंट ट्रेसिंग एंड वगैरह वगैरह सब जानता हूं। आप सर्टिफाइड है ना? सर्टिफाइड। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, और अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है, झारखंड से हूँ। अच्छा, बस छोटा सा सवाल कि आप एशिया टेलीकॉम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? एशिया टेलीकॉम के बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि जो इनका रिव्यू आता है कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है, तो ये वाकई में इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट। मतलब आप जो बोलते हो दिल से बोलते हैं? जी हाँ, दिल से बोलता हूँ। थैंक यू। एक बार आप बोल दीजिए, इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच, ये इनका पर्सनल रिव्यू था। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, आप कहाँ से हैं और अपना नाम बताइए। जितेंद्र हूँ मैं, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं, तो आप बस छोटा सा सवाल कि आप इतना दूर से ऐसे टेलीकॉम जबलपुर आप आए, क्या सोच के आए और क्या मिला आपको? बस जी ये स्टूडेंट का रिव्यू देख के आया, और यहाँ पे जो सिखाते हैं बहुत बढ़िया, इससे सर लोगों को आप सीख पाए कि नहीं पाए? हाँ सीख पाए, प्रॉपर नॉलेज मिल गया आपको, और आगे आपको मेहनत करनी है तब जाके आपको पूरी नॉलेज और पूरा खुल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, और आप कहाँ से हैं और अपना नाम बताइए। हाँ मैं नेपाल से हूँ सर, मेरा नाम प्रेम कुमार मुखिया। आप नेपाल से इतनी दूर से आए हैं, तो आप ये बताइए, आपका आपके पहले दिन की क्लास आपने लिया, तो आपने पहले दिन से आपको रिवॉल्विंग कराई? हाँ सर। और फिर पहले दिन की आपने क्लास ली, तो क्या लगा आपको कि हम 1 महीने में सारा चीज़ सीख जाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? सीख जाएंगे ऐसे। और आपको हार्डवेयर का सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो आपको क्या फील हो रहा है? अच्छा। PCB देखने का नॉलेज, टेस्टिंग क्या लगा? सब अलग हो रहा है। मतलब आपने इसे टेलीकॉम ज्वाइन करके बेस्ट है कि नहीं है? हाँ बेस्ट है सर, बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हाँ ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, और अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम पवन है और मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ। बस छोटा सा सवाल, आप इसे टेलीकॉम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये एशिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है मोबाइल रिपेयरिंग का, और मैं अच्छा बेस्ट क्यों है? बेस्ट क्यों है, क्योंकि जो देवेंद सर है उनके पढ़ाने का तरीका, क्योंकि वो शुरू में ही उन्होंने हमको इस तरीके से पढ़ाया कि ज़रूरी नहीं है मोबाइल के अंदर CPU फॉल्ट हो या PMI का प्रॉब्लम हो, पावर IC का प्रॉब्लम हो। उन्होंने हमें कंपोनेंट की जो नॉलेज दी है कि हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं प्रॉब्लम को, वो बहुत अच्छी तरीके से हमको फाइंड करवाया। आप सर्टिफाइड हैं? बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, और अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम अनंत मालवानी है, मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र। नागपुर से आए हैं, आप क्या सोच के आए थे और क्या मिला आपको? सर मैं तो ये सोच के आया था कि क्या मिलेगा, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई करने में क्या जाता है, बट आपको अब क्या लगता है वो ट्राई आपका सक्सेस हो गया कि नहीं? बहुत बहुत कुछ मिला सर, यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला, जो मैं सोच के आया था उससे बहुत ऊपर तक मिल गया मेरे को सर। आप पहले दिन से ही रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो आपकी रिवॉल्विंग निकालने लगाने का तरीका एकदम ट्रिक सही मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल सर। कितने बार आपने CPU को चालू किया? सर मैं 5 से 6 बार को CPU किया। हाँ सर। और एक डेड चालू फोन से निकाल के फिर कितनी बार ऑन किया? सर वो 3 से 4 बार किया मैंने। 3 से 4 बार ऑन हो गया, पहले इससे पहले आपने किया था? नहीं सर, पहले मेरे को, मैं पूरा फ्रेशर हूँ सर, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था उस बारे में, कंपोनेंट वगैरह के बारे में, लेकिन यहाँ आने के बाद में पूरा नॉलेज मिला मेरे को, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे लगे होते हैं, सीरीज क्या होती है, पैरेलल क्या होती है, A to Z नॉलेज मिला सर। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है, अपना नाम और एड्रेस बताओ। मेरा नाम इरफान है, मैं पलवल से आया हूँ, हरियाणा से। बस छोटा सा सवाल, आप एशिया टेलीकॉम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जी मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, मैं 2 बार आ चुका हूँ, पहले आया था तब मैं बीमार हो चुका था, दोबारा आया 4 महीने बाद, मैंने अपनी दुकान भी बंद कर दी, इसके चक्कर में इतना हम सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज मिलती है। 2 बार आए, अगर चाहते तो फर्स्ट टाइम में ही आप नहीं आते जी, पर आप 2 बार आए, मतलब इनकेस पहली बार में आपकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर आपने दूसरी बार आया, क्योंकि अगर आपको पहले ही समझ में नहीं आता तो आप दूसरी बार ज्वाइन नहीं करते। तो अब आप कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जितने हम सोच भी नहीं सकते उससे अच्छा यहाँ पर सिखाया जाता है, और बिल्कुल डीपली सिखाया जाता है, जिस पढ़ा हो अनपढ़ हो
पैसा भी हो उसके मतलब लिए। आपके कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप बीटेक ही करके आए या आप आठवीं पास हैं तो हमारे पढ़ने का एजुकेशन लाइन से कोई मतलब नहीं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है, अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम यशपाल सिंह, मैं यूपी से हूँ। आप बस आप ये बताइए, आप पहले दिन ज्वाइन किए, आपके एक मन में था, सबके मन में होता है कि हम एक महीने में क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। जी सर बिल्कुल, ये था कि मतलब एक महीने में हम हार्डवेयर नहीं सीख पाएंगे। अब क्या लगता है आपको एक महीने में सर सीख जाएंगे? बहुत बढ़िया। पूछना चाहता हूँ, 3 दिन की आपने क्लास ज्वाइन की तो आपको क्या लगा फिर? 3 दिन में सर बहुत ही बढ़िया लगा, यहाँ पे आगे मतलब आईसीडी बॉलिंग और डीपली नॉलेज कंपोनेंट वगैरह की सब कुछ मिला। कितने बार एक सीपीयू को निकाल के वापस लगा के फोन को चालू किया? मैंने सर एक ही मोबाइल के सीपीयू को 4-5 बार निकाला, उसको चालू किया, बराबर हुआ। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल सर पहले सब कई गुना मतलब काफ़ी बढ़ गया। चलिए थैंक यू। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, और अपना नाम और एड्रेस बताइए आप। मैं तमिलनाडु से आया हूँ, यहाँ मैं काम सीख रहा हूँ, और यहाँ के ट्रेनिंग मुझे अच्छा लग रहा। अच्छा क्यों लग रहा है मुझे, मैं आगे पहले से मैं काम करता था, अब मुझे ना सॉल्यूशन करके मैं दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे अभी बोर्ड खुल गया था, मुझे ये पता लग जाएगा अभी कहाँ से मैं ले रहा हूँ और कहाँ तक जाना है मुझे। हमें दो ही 3 चीज़ें दिखती हैं, ड्रेसिंग कॉम्पोनेंट्स और सेक्शन वाइज। हाँ सर, अब पहले मुझे पता नहीं था, अभी मैं जो भी काम करूँगा ना ड्रेसिंग से जहाँ से शुरू वहाँ से खत्म सब सब नॉलेज। आईसी को रिवॉल्व किया और एक चालू सेट को फिर से दोबारा चालू किया। सर मैं 3-4-5 बार कर चुका हूँ और 6 बार में बनाया, मैं बढ़िया करीब बनाया, और अभी है कि अभी पहली बार मैं करा बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने ऐसे टेलीकॉम सही चूज किया कि नहीं किया? जी सर मैं सही चूज किया। आप अपने व्यूअर को क्या कहना चाहते हैं कि आप ऐसे टेलीकॉम सही चूज किया कि नहीं किया, और क्या बोलना चाहते हैं उनको? मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ, जो भी आ रहे हैं उनको सिर्फ मैं यही बता चाह रहा हूँ, अगर हमें काम करना है या सही करके देना है कस्टमर को अच्छा बना के देना, तो हमें यहाँ आके नॉलेज पूरा पूरा लेना पड़ेगा। हमें क्यों लेना पड़ेगा, यहाँ से कोई फॉल्ट आ रहा है वहाँ जहाँ से फॉल्ट हो सकता है वहाँ तक मतलब फुल डिटेल बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, और अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम सलमान है, मैं दिल्ली से आया। बस आप इतना बता दीजिए ऐसे टेलीकॉम के बारे में कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि जो बातें बोलेंगे आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो आप बता दीजिए। कंपोनेंट्स की पूरी जानकारी और आईसी को रिवॉल करना, उसको लगाना, सेट डेट। आप आईसी रिवॉल कितने दिन बाद चालू किए? फर्स्ट दिन 8 बजे से ही, क्योंकि आपने जैसे ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन किया पहले दिन 8 बजे से आपको आईसी रिवॉलिंग कराने लगे। यस यस। और आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल क्या है आपका? कॉन्फिडेंस मैं वीडियो देख कर आया था, लेकिन मैं वीडियो देख के ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऐसा मिलेगा, लेकिन आने का मैं फ्रेशर हूँ। बिल्कुल फ्रेशर है। तो आपने बिल्कुल आप फ्रेशर आप बोल रहे हैं, अब आपका अनुभव क्या लग रहा है कि मैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं फ्रेशर कभी था ही नहीं, और जितना मैंने देखा उससे कई गुना मैंने पाया, और बहुत बेस्ट है। जो नया बंदा है सीखने के लिए वो जरूर एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करे और प्रॉपर नॉलेज पाए। चलिए थैंक यू वेरी मच। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में। अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो आप, 30 दिन की क्लास है, और आपने से 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने 6 बार। 6 बार? 5 बार। 6 बार? 6 बार सर। 5 बार? 7 बार? 2 बार? बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। 3 बार? 5 बार? 4 बार? 2 बार? 6 बार? 5 बार? 5 बार? 3 बार? 2 बार? 2 बार? तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार यहाँ पर। ये जो मेरा बाजू वाला काम कर रहा था तो उसे करवाते थे आप, तो आपने एशिया टेलीकॉम को चुना, यहाँ आए पहले दिन और अब के में कितना अंतर है, क्या आप सेटिस्फाई हैं यहाँ आकर, ये बता सकते? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सेटिस्फाई है यहाँ पर। तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा। अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होंगे, तो हमारी भी चीज में क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया? सर आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शैली वो सब अलग है शुरू से, और सर अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब ऐसे टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते, इन्होंने रिव्यू भी किए लोगों से, अब वो ये बोलते हैं कि ऐसे टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से
सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर। तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए ईसेट टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़ा आपने? पूरा पढ़ा सर। उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने, पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो इमेंसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट में क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूफाई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको एमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए था। हाँ सर, तो मेरा यूफाई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर। तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि एमसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा, सबसे काम कर रहे हैं सर, मेरा कॉन्फिडेंस सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा था, सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब से देख कर कितना सीख सकते हो सर? यूट्यूब से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकता है, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके, मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से एसर टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, सो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने एसर टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है? ठीक है, पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया तो बना लेता है, क्या होता है कि मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो मैं पावर ऐसे निकाल देता हूँ, नहीं था मुझे सर दिल से लगा था, अगर सर बहुत अच्छा समझाते, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, अरे आपको आएगा नहीं, हाँ पकड़ के सिखाने का तरीका होता है, दोनों पावर सही बात है। एक बार ताली बजा दो इन्होंने, परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिल रहा है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्री है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन, कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया, तो पैसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है,
जाओ सब कुछ बना मिल गई। तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेक्स सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज मैं देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है कहने के लिए बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं सर? 100% सर्टिफाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आगे को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल डाल सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल विजिट कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था की मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.